12 men can do a piece of work in 15 days. How many men are required to complete a work 3.5 times? मतलब उस काम का 3.5 times work in 10 days. ये जो question है इसको हम variation से करते हैं. Variation मतलब initially कितना था और finally कितना था, इनको हम compare करते हैं. We are talking about men, we are talking about days and we are talking about the quantity of work. ठीक है, सो इट सेज दैट 12 मेन थे इनिशियली, ठीक है, और वो 15 डेज में काम खत्म कर देते थे और मान लीजिए कि वर्क था 1 यूनिट. तो वो पूछ रहा है कि अगर मान लो हाउ मेनी मेन, कितने मेन लगेंगे अगर काम को 10 डेज में खत्म करना है एंड द वर्क इज 3.5 times दैट ऑफ वर्क द प्रीवियस वर्क. तो 3.5 times मतलब 3.5 यानी 7/2 वर्क है. अब पहले 1 था, अब 7/2 हो गया है. ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहां से शुरू करना चाहिए वेरिएशन, कि जो अननोन है वो पहले केस में कितना था. तो पहले कितने मेन लगते थे, 12 मेन लगते थे. ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें बदली हैं इनका इन नंबर ऑफ मेन पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहले का 12 मेन लगते थे. अब इमेजिन कीजिए कि आपको, आप एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह सोचिए, आपको काम अगर जल्दी खत्म करवाना है, टाइम रिड्यूस हो गया, काम जल्दी खत्म करवाना है, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में मेन बढ़ाने पड़ेंगे. तो 15 से 10 हो गया तो 15/10. अच्छा, इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से देख लीजिए कि अगर बढ़ाना है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि मेन 12 थे और मान लीजिए कि आपको जल्दी काम खत्म करना है, 15 की बजाय 10 डेज हैं, तो आपको मेन को बढ़ाना पड़ेगा. मेन को बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर बड़ा वाला नंबर रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा वाला नंबर रहेगा. तो क्या इंपैक्ट होगा मेन पे, मेन हो जाएगा 12 × 15/10. अब ज्यादा काम है, पहले काम कम था, अब काम ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो मेन और बढ़ाने पड़ेंगे. मेन बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो 7/2/1. तो यानी कितना हो जाएगा, 12 × 15/10 × 7/2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12 5 3 15 5 2 10, 2 3 6, 3 3 9 7 63. मतलब हमें फाइनली जो मेन लगेंगे वो कितने लगेंगे, 63. आंसर ऑप्शन 3. फॉर मोर सच वीडियोज ऑन क्वांट एंड वेरियस अदर टॉपिक्स, डाउनलोड स्पार्क वीडियो बैंक ऐप.